नमस्कार, डीएसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। जीतन राम मांझी ने एनडीए के साथ गठबंधन करने के बाद जीत हासिल की, जिसके बाद जीतन राम मांझी के तमाम विधायक जो हैं वो जीते हुए हैं, और जिसके बाद जीतन राम मांझी ने आज प्रोटोम स्पीकर के रूप में राज्यपाल के समक्ष अपनी शपथ ले ली है। तस्वीरें हमारे सामने, हम आपको बताते हैं कि प्रोटोम स्पीकर के तौर पर जीतन राम मांझी को आज बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ दिलाई है। तस्वीरें हमारे सामने, हम आपको बता दें कि 70वीं विधानसभा जो सत्र है वो 22 से 24 नवंबर तक भी चलने वाला है, जिसको लेकर के जीतन राम मांझी वहां पर मौजूद रहेंगे। और तमाम अब धीरे धीरे जो बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है वो उसकी शुरुआत धीरे धीरे हो चुकी है। तमाम मंत्रियों ने भी अपने पद एवं गोपनीयता के शपथ लेने के बाद अपने अपने कार्यभार को संभाल लिया है, अपने अपने मंत्रालय में अब बैठने लगे हैं। तस्वीरें हमारे सामने, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से राज्यपाल ने जीतन राम मांझी को शपथ दिलाई है। मैं जीतन राम मांझी, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद से मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लेंथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।